हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति साहू। आपका बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुक विद प्रीति साहू में। आज हम लेके आए हैं सहजल की सब्जी, जिसको हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और इसको खाने से बहुत ही अच्छी सब्जी होती है। इससे हमें जोड़ों के दर्द, कमर दर्द से निजात मिलती है, इसलिए हमें इस सब्जी को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। इस सहजल में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और आयरन पाया जाता है। इस फली में भरपूर मात्रा में पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए डॉक्टर भी हमें सलाह देते हैं इस सब्जी को आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। इस समय सर्दियों में और 40 के बाद ये प्रॉब्लम अधिकतर लोगों में मिलती है कि इनके पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर दर्द बना रहता है, तो इनको उन लोगों को ये सब्जी ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। तो सहजल की सब्जी को कैसे बनाया जाता है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम ये मार्केट से लंबी साइज में ये सहजल की फली आती हैं, इनको ताज़ी सहजल की फली को ख़रीदना है। ऐसा नहीं कि पुरानी या सूखी टाइप की नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये थोड़ी अच्छी ग्रीन दिखाई दे और सॉफ्ट हो, इनकी थिकनेस भी मीडियम हो। ज़्यादा मोटी नहीं लेना है हमें फली, क्योंकि उनके अंदर बीज निकलते हैं जो कि हमें जो मुंह में आते हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं और उनका स्वाद भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हमेशा मीडियम साइज की इस तरह की फली ही हमें परचेस करना है और हमें ज़्यादा पतली भी नहीं लेना है, नहीं तो उनकी पतली छीलने में नहीं आती है और छीलने में ही सारी उनका दल निकल जाता है। इस तरीके से हम छील लेंगे और ये हम तैयार कर लेंगे, इसकी हम फिर सब्जी बनाएंगे। देखिए, मैंने छील के छिलकों को इन इस तरीके से ये निकल गए हैं और ये हमारी फली अब तैयार है सब्जी बनाने के लिए। जिनको ये तैयार करना आता है वो तो ठीक है, लेकिन किन्हीं किन्हीं को ये तैयार करना नहीं आता है, इसलिए मैंने यहाँ इनको बता दिया है। अब हम यहाँ 2 बड़े चम्मच तेल रखेंगे और इसमें हम 1 इलायची को खोल के डालेंगे, कुछ इस तरीके से खोल के डाल दीजिएगा। इसमें हम फिर हम 2 लौंग लेंगे, उनको डाल देंगे, फुटकने का इंतज़ार करेंगे। इसके बाद 1/2 चम्मच तेल जीरा डाल देंगे और उनको चटकने देंगे। फिर हमने यहाँ पे बड़ा प्याज लिया है, उस प्याज को हमने मिक्सी में ग्राइंड करके उसको यूज़ करेंगे, उसको डालेंगे और हम इसको सेंकेंगे। हमें ये हल्का सा सेंकने के बाद इसमें हम 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे, इसको भी हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। इस पेस्ट को भी डाल देंगे अब हम और इसको भी हम चलाते हुए सेंकेंगे। हमें तली से छुड़ाते हुए हमारी प्याज को सेंकना है, जिससे कि तली में बिल्कुल भी ना लगे, क्योंकि इसमें हमने अदरक का और लहसुन का पेस्ट डाला है, तो इस अदरक की वजह से प्याज तली में लगती है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, चलाते हुए पकाएं। अब हल्का सा ग्राउंड गोल्डन कलर आ गया है तो आप इसमें अब हम हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, 1 चम्मच और 1/2 चम्मच, 1.5 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच यहाँ पे हम धनिया पाउडर को डालेंगे, चलाएंगे थोड़ा सा और थोड़ा सा मसाले के लिए हम पानी ऐड करेंगे। 2 से 3 चम्मच यहाँ पर हम पानी ऐड करेंगे, जिससे हमारे मसाले अच्छे से सिक जाएँ। और आप देख रहे हैं कि मसाले कितने अच्छे से सिक रहे हैं, कलर कितना अच्छा आ रहा है। और हम इनको चलाते हुए सेकेंगे, इनको गोल घुमाएंगे इसको। और हमें सब्जी हमेशा मीडियम लो फ्लेम पर ही बनानी है, हाई फ्लेम पर हमें मसालों को बिल्कुल भी नहीं सेकना है। यहाँ पे हम 1 टमाटर जो बड़े साइज का है इसको हमने मिक्सी में पीस लिया है, अब हम उसको डालेंगे। अब हम यदि आपके पास बड़े साइज के टमाटर नहीं है तो आप 2 मीडियम साइज के टमाटर ले सकते हैं। यहाँ पर आप टमाटर प्यूरी को ज़्यादा ना डालें, यहाँ पे टमाटर को सिर्फ 1 या ज़्यादा से ज़्यादा मीडियम साइज के तो 2, बस इससे ज़्यादा टमाटर ऐड नहीं करना है। और यहाँ पे 1/4 चम्मच हमें यहाँ पे गरम मसाला डालेंगे, घुमाएंगे हम हमारे सभी मसालों को, थोड़ा सेकेंगे जिससे कि हमारे टमाटर का कच्चापन निकल जाए और हमारा ये मसाला अच्छे से बन के तैयार हो। यहाँ पे हमें छुड़ाते हुए मसाले को तली से बिल्कुल छुड़ाते हुए ही चलाना है। आप देख रहे हैं कि मसालों ने तेल छोड़ दिया है, तो हम यहाँ पे हमारी जो फली को हमने तैयार किया था उन फलियों को डालेंगे और मसालों को के साथ ही इन फली को थोड़ी 5 मिनट के समथिंग इनको हम चलाएंगे। और हम इसमें 1 आलू डालेंगे जो कि मैंने बड़े साइज में टुकड़ों में इनको काट के तैयार कर लिया है। यदि आपको एक औषधि के रूप में इस सब्जी को बना रहे हैं तो आप आलू बिल्कुल स्किप कर दीजिए, आलू बिल्कुल नहीं डालिएगा, सिर्फ इन फली अकेले की आप सब्जी बना के तैयार कीजिएगा। और लाल मिर्च पाउडर भी कम डालिएगा और तेल,
तेल भी बिल्कुल कम डाली है, लाल मिर्च पाउडर कम डाली है और आलू बिल्कुल स्किप कर दीजिए। तो ये बिल्कुल ये सब्ज़ी औषधि का काम करती है। और यदि आप इसको टेस्ट के लिए बना रहे हैं तो बस आप इसी तरीके से इस सब्ज़ी को बनाइए। खाने में बहुत स्वादिष्ट लाजवाब सब्ज़ी बनके तैयार होती है, बहुत टेस्टी और हेल्दी सब्ज़ी है। तो इस सब्ज़ी को आप ज़रूर बनाइएगा और इनको 5 मिनट तक मसाले और फली को एक साथ इसी तरीके से इसको सेंकना है। आप देख रहे हैं आउटसाइड से तेल छोड़ रहे थे मसाले, और इसमें हम गर्म पानी को ऐड करेंगे। इस सब्ज़ी को चलाएंगे, थोड़ी ये उबाल आने लग जाएगी तो इसको हम इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड करें, क्योंकि ये फली को उबलने में गलने में सॉफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेती हैं। कम से कम ये उबलने के बाद 10 मिनट का टाइम ये लेंगी। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमें इस सब्ज़ी को उबलने देना है, ढक कर इस सब्ज़ी को हमें पकाना है और फिर हमें चेक कर लेना है कि हमारी फली गल गई है। कि देखो ये कितनी तेज़ इसमें उबाल आ रही है और मेरा गैस की फ्लेम बिल्कुल लो है, मीडियम भी नहीं है, बिल्कुल लो फ्लेम पर ये उबाल आ रही है। क्योंकि सब्ज़ी को ढक के पकाते हैं तो ये सब्ज़ी में उबाल बहुत अच्छे से आती है। अब हम फली को चेक करेंगे कि हमारी फली गल गई है, पूरी तरीके से सॉफ्ट हो गई हैं क्या, पूरी एकदम से सॉफ़्ट हो जाए। इतनी देर तक हमें इन फलियों को पकाना है। आप देखते जाइएगा। इनको हम आलू को दबा के देखेंगे, फली को हम दबा के देखेंगे। देखिए कितने अच्छे से ये हमारी ये सॉफ्ट हो गई हैं, और आलू हम दबा के देखेंगे, आलू भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम धनिया पत्ती डालेंगे। बस तैयार है हमारी जायकेदार चटकारेदार सैजल की सब्जी। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ऐसी इस तरीके की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की कोई अच्छी सी रेसिपी लेके। थैंक यू।